वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गोजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिजाइनर और आप सभी के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज का टॉपिक फिर मैं लास्ट टाइम के जैसे एक यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप फील्ड में रहेंगे तब बहुत काम आने वाला है। क्या रहेगा ये? सर्वे के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप एक्सेल में नोट डाउन हो जाएगा। ये कहाँ से आते हैं? ये आप सर्वे करेंगे तो आप नोट डाउन करते हैं, या फिर डिजिटल सर्वे होता है सैटेलाइट के हेल्प से जो होता है उसमें ये पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपके पास आते हैं। उसके बाद साथ ही साथ कहीं इसी पॉइंट का पूरा ऑटोकैड बनाना है। आपको ऑटोकैड क्यों बनाना पड़ सकता है? कि उसका लाइन कितनी मेजरमेंट है, आपने कितने लंबे रोड की मेजरमेंट की है, या फिर आप जो रोड की मेजरमेंट कर रहे हैं उसका प्रोफाइल कैसा है, ये सब जानने के लिए आपको वो ऑटोकैड में बनाना पड़ता है। ये पूरा देखेंगे आज। चलते हैं अब एक्सेल में। जैसे कि हम लैपटॉप में आ गए, मैं एक अपनी ही लोकेशन का बताता हूँ। जो मेरा पहला था उसका ट्रायल मैंने नाम दिया था, उसमें चलता हूँ। ये एक सबसे पहला हमने रीडिंग लिया था, ज़्यादा रीडिंग नहीं होगी उसमें, 14-15 रीडिंग ही है। अभी मैं बेसिक करके बता रहा हूँ, फिर आप लोग उसको एडवांस में देख सकते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा। अब इसमें क्या है, आपको रीडिंग मिली है, ये चाहे ईस्ट नॉर्थ लेवल है, ये आपका एक्स वाई जेड भी हो सकता है, ये डिपेंडिंग अपॉन आप लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किए हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये रीडिंग आती है। साथ ही साथ यहाँ पर कई बार नंबर आएगा या फिर पॉइंट्स आएगा। जब हम लोग लेवलिंग करते हैं तब हमें पॉइंट्स भी डालने के लिए वो ऑप्शन देता है। जैसे कहीं वहाँ पर पोल है तो आप लोग पोल लिख सकते हैं P1। इस तरह से रोड के किनारे कर रहे हो तो R1, R2। इस तरह से हम लोग नेम भी देते हैं पॉइंट्स का। यहाँ पर भी मैंने बेसिक किया था पहला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 तक मैंने पॉइंट्स लिए सिंपल, और उसका रीडिंग लिए। ये रीडिंग हम लोग डायरेक्ट ऑटोकैड में लेके नहीं जा सकते, इसको कंबाइन करना रहता है। कंबाइन कैसे करना है? जैसे यहाँ पर लिखे हम लोग 100, 105.1 जो पहली रीडिंग है, 1000। ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हमें ये पूरे पॉइंट्स चाहिए, जितने 1 to 14 पॉइंट्स हैं पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। ये क्या हो गया आपका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। अब मैं ये 14 पॉइंट है तो करना एक बार आसान भी हो सकता है। जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं सिर्फ 14 पॉइंट नहीं रहते, कम से कम 1000 पॉइंट तक जाते हैं। देखेंगे कभी भी तो आप किसी भी सर्वे की टीम से पूछेंगे कितना पॉइंट किया, 1000-2000 पॉइंट्स का सर्वे हो जाता है। तब मैं उतने पॉइंट्स ऐसे लिख नहीं सकता। तो एक्सेल आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन देता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन एनालाइज करना है कि क्या काम करना है, एक्सेल आपको उसका सॉल्यूशन देगा। उसका कोई ना तो कोई एक फॉर्मूला बना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेट, आपको बोर्ड में अच्छे से दिख रहा होगा कॉन्सेंट्रेट। इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। जैसे ही आपको कोई सा भी फॉर्मूला लगाना है तो आप कहाँ जा सकते हैं, फंक्शन में। फंक्शन में जैसे ही क्लिक किए आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पर मैं यह कॉन्सेंट्रेट अभी रिसेंटली लगाया था, इसके कारण वो टॉप में। आप चाहें तो यहाँ पर सर्च में लिख सकते हैं, ये पूरा मिटा देंगे और वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट लिख देंगे। अब जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेट लिख लिया, आपको कुछ नहीं ओके दबाना है, तो ये कमांड एक्टिवेट हो गया। अब ये कमांड में इनपुट वैल्यू डालना है। सबसे पहले क्या चाहिए था, एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ईस्ट है, इक्वल टू टाइप करेंगे और ईस्ट कोऑर्डिनेट पर क्लिक किए। अब वैसे ही उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए था, इक्वल टू के बाद कॉमा, तो यहाँ कॉमा टाइप कर देंगे। उसके बाद क्या चाहिए थर्ड में, नॉर्थ कोऑर्डिनेट, तो नॉर्थ कोऑर्डिनेट पे क्लिक कर दिए। उसके बाद क्या चाहिए आपको, कॉमा, फिर आपको कोऑर्डिनेट क्या चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट, जो कि आपका लेवल है। जब ये पूरा हो जाएगा सिंपल आपको ओके प्रेस करना है। देखेंगे आपने एक कमांड बना दिया जिसकी हेल्प से वो तीन एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट को एक ही सेल में ले आए। अब आपको यही सेम फॉर्मूला ऊपर से नीचे लाना है। बॉक्स में किनारे पर आए, प्लस में दबाया और नीचे स्क्रॉल डाउन कर दिया, ठीक। तब यही सब पॉइंट्स, अपने पास 14 पॉइंट्स आ गए। अभी तक क्या थे, कोऑर्डिनेट्स थे उसके, एक्स वाई जेड अलग अलग था। अब आपको एक पूरा कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट्स मिल गए, तो अब इसको आपको ऑटोकैड में लेके जाना है। चलते हैं अब इसके बाद ऑटोकैड में। ऑटोकैड ओपन करेंगे, ये पॉइंट्स को हम ऑटोकैड में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बहुत हेल्प करते हैं जब अपन लोग लेवल कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई सा भी सर्वे कर रहे हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है। ऑटोकैड खोल रहा है, जब तक आप ये पूरे पॉइंट्स को कॉपी कर लेंगे। ऑटोकैड में चलते हैं, जैसे ही आप ऑटोकैड में आ गए ड्रॉ में आएंगे और मल्टीपल पॉइंट्स सिलेक्ट करेंगे, ये पॉइंट्स को यहाँ पेश कर देंगे। जैसे ही आपने पेश किया कमांड चलेगा, वो अपने आप पूरे पॉइंट्स बना लेगा। हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो तो एस्केप कर सकते हैं, जूम जेड एंटर ए एंटर, जेड एंटर करेंगे जूम के हेल्प से आप ये पूरे पॉइंट्स को देख सकते हैं।
उसके बाद पॉली लाइन की हेल्प से, नॉर्मल लाइन की हेल्प से नहीं, ये पॉली लाइन की हेल्प से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी में एडवांस स्केल में हमें ये पॉइंट्स को नेम के साथ लाते हैं कि यहाँ पर इसका नाम रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से पूरा नेम रहे। ये आपका एक बेस क्रिएट करता है। इसके बाद आपको सर्वे के आगे पार्ट में बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं। जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं तो अपन लोग को पॉइंट्स भी मार्किंग मिलती है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से मार्क्ड मिलता है। वो मार्क पॉइंट्स को हम लोग को इस तरह से कनेक्ट करना रहता है। साथ ही साथ ये रोड लेवलिंग के केस में भी बहुत हेल्पफुल होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है ये आपके फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में कोई से भी इंडस्ट्री में आपको काम आ सकता है तो लाइक करो। चैनल में इस तरह के और भी वीडियोस हरदम डेली अपडेट होते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जिससे आप ये पूरे वीडियोस देख पाएंगे। बने रहिए सिविल गुरु जी के साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ।